आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, क्या कहेंगे लोग, इस बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आखिर तक आपने देखा तो आप कभी भी लोगों के कहने पर जो भी कर रहे हैं उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया उन्हें कभी परमिशन मत दीजिए कि आपको आपके सपने पूरे होने से रोक सके। शुरुआत हर किसी की छोटी ही होती है दोस्त, शुरू शुरू में बहुत मेहनत होती है, लगता है कुछ नहीं हो रहा, उस समय लोगों की सुनकर हमें अपने फैसले नहीं बदलने। कोई भी व्यक्ति चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं होता। ये लोग हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर या दुश्मन ना होकर आपके फैमिली मेम्बर्स हों या आपके करीबी दोस्त हों। दोस्त ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको आपके सपने पूरे होने से रोकते हैं। आपके दोस्त फैमिली मेम्बर्स आपको चुनौतियों का सामना करते देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो आपको हमेशा बच्चा ही समझते हैं। जैसे एक माँ के लिए एक बच्चा कभी बड़ा नहीं होता, वैसे ही आप सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए एक बच्चे ही होते हैं। लेकिन दोस्त, आप याद रखिए, आप अब बच्चे नहीं हैं, आप एक मैच्योर आदमी हैं या औरत हैं जिनके खुद के फैसले हैं। आप अपने डिसीजन और अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। किसी को कोई हक नहीं कि आपको आपके सपने पूरे होने से रोक सके। दोस्तों, कोई भी फैसला अच्छा या बुरा नहीं होता, फैसला फैसला होता है, उसे सही या गलत साबित करना आपके हाथ में है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, असफल होंगे, फेल होंगे, फिर क्या हुआ। मैं एक बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था एक इंडियन प्रोफेसर और एक अमेरिकन प्रोफेसर के बीच में। वहाँ उन्होंने, अमेरिकन प्रोफेसर कहते हैं कि अमेरिका में एक बच्चा ग्रेजुएशन तक पहुँचते पहुँचते ना जाने कितने बार बिजनेस स्टार्ट करके फेल हो चुका होता है। लेकिन इसका क्या मतलब है, क्या उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है? दोस्तों नहीं, उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। याद रखिए, कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दूसरों के फैसलों के डर से खुद के फैसले बदल लेते हैं। दोस्तों, लोग कभी भी आपको ना नहीं कहते, लोग तो यह कहते हैं कि उनमें खुद में कैपेबिलिटी नहीं कि वो कर पाएं जो आप कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग अपने काम में तो परफेक्ट हैं, वो आपको रोक देते हैं, लेकिन आप उनके फैसलों से रुक गए तो वो लोग अपने प्रयास में तो सफल, लेकिन अगर आप नहीं रुके तो आप सफल। दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार दो मेंढक एक बहुत ही ऊंची चट्टान पर चढ़ रहे थे। पहाड़ बहुत ऊंचा नीचा था, दुर्गम था, और साथ ही मेंढक नीचे से कुछ कुछ डिमोटिवेशन की बातें कर रहे थे, और वो भी उछल उछल कर। तो दोनों मेंढक ऊपर चढ़ते रहे, दोनों में से एक मेंढक बीच में ही रुक गया और दूसरा बूढ़ा सा मेंढक, जो लग रहा था कि ऊपर भी नहीं चढ़ पाएगा, चट्टान की चोटी तक पहुँच गया। जब बाद में देखा गया क्या हुआ तो पता चला कि वो मेंढक ऊपर जो चढ़ गया वो बहरा था, और नीचे खड़े मेंढकों को उछल उछल कर डिमोटिवेशन करते हुए देखकर उसे लगा कि वो लोग उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। दोस्तों, जिस काम को आप कर रहे हैं आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये मैटर करता है। आपका सपना पूरा होना आपको दिख रहा है या नहीं, ये मैटर करता है। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर नहीं समझे, आपका समाज नहीं समझे, आपके क्रिटिक्स को समझ में ही नहीं है। दुनिया में रायचंद बहुत मिल जाएंगे। आपको पता है कि वो लोग आपको क्यों रोकते हैं, आपको डिमोटिवेट क्यों करते हैं, डाउट क्यों करते हैं आप पर? दोस्त, वो इसलिए करते हैं कि अगर आप नहीं रुके तो सक्सेसफुल तो आप होंगे ही होंगे, गारंटी के साथ, लेकिन उन रायचंदों की कीमत इस दुनिया में कम हो जाएगी। इस बात से डरते हैं वो, खुद में तो हिम्मत है नहीं कि वो कर सकें जो आप कर रहे हैं। बस एक ही मानसिकता है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। दोस्तों याद रखिए, छोटी सोच और पैर की मोच आपको कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। बस इन लोगों से बच कर रहिए और जो काम आप कर रहे हैं उसमें बस लगे रहिए। दोस्तों याद रहिए, मैं और आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच के हकदार हैं, या तो काम ऐसा करेंगे नाम हो जाए, या नाम ऐसा करेंगे कि सुनते ही काम हो जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर
ज़रूर करें अपने हर एक दोस्त व्यक्ति जिसको आप चाहते हैं हमारी मोटिवेटेड पॉजिटिव फैमिली में का पार्ट बनाना, सबको शेयर करें और ज़िंदगी को पॉजिटिविटी से भर दें। बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।